तो कल होने वाला है स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड, जिसे देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहां हमें रोमन रेंज के सुपरमैन पंच का रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्या विंस मैकमैन रोमन रेंज को फायर करने वाले हैं? इसके अलावा शिंस के नाकामुरा को कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है? अली की डायरेक्शन अब किस तरफ जाने वाली है? क्या अली को कोई रेसलर चैलेंज करेगा? पेज की ब्रांड न्यू टैग टीम एस्का और कैरी सेन किसको आकर चैलेंज करेंगी? और स्मैकडाउन के मॉन्स्टर लार्ड सुलेवन किस पर बरसेंगे? और कल की स्मैकडाउन के लिए कौन सी चीज WWE ज्यादा हाइप कर रही है? तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसे जरा भी मिस ना कीजिएगा। तो वीडियो की जानी बढ़ने से पहले, अगर आपने आज की राह को मिस किया है, वहाँ क्या कुछ हुआ, राह की ऑफियर जाने के बाद क्या देखने को मिला, तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे ज़रा भी मिस ना कीजिएगा। तो कल होने वाले स्मैकडाउन के शो में बैकी लैंच पहली मरतबा रेसलमेनिया के बाद शॉर्टली फ्लेयर को फेस करेंगी, जहां हमें इन दोनों सुपरस्टार के दरमियान एक्शन देखने को मिलने वाला है, और पॉसिबली शॉर्टली फ्लेयर स्मैकडाउन के विमेन टाइटल के लिए मैच में आती नजर आ रही हैं। लेकिन जहां देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्या WWE मनी इन द बैंक में बैकी लैंच के दो मैचेस कन्फर्म करेगी, क्योंकि हम रॉ में ऑलरेडी उनकी फ्यूड लेसी इवेंट्स के खिलाफ देख रहे हैं फॉर द रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए, और अब WWE के आगे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगने वाला है कि एक ही इवेंट में बैकी लैंच दोनों टाइटल डिफरेंट मैचेस में डिफेंड करेंगी। तो फिलहाल अभी तक बैकी लैंच का किसी भी टाइटल के लिए WWE ने कोई भी मैच कंफर्म नहीं किया है। तो कल ये देखना और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या WWE बैकी लैंच की फ्यूड फिर से शॉर्टली फ्लेयर के खिलाफ गरमाने वाली है। अगला मैच जो कि हमें ब्रांड न्यू टैग टीम एस्का और कैरी सेन का देखने को मिलने वाला है, जिसे पॉसिबली विमेन टैग टीम चैंपियनशिप की लाइन में डाला जाएगा, क्योंकि अगर हम राह से देखें तो वहाँ इस वक्त विमेन की कोई भी टैग टीम मौजूद नहीं है। इस राह में भी हमने देखा कि बेली के ने एक सिंगल मैच में नियोमी के खिलाफ मैच लड़ा था, तो अब स्मैकडाउन में इन दोनों रेसलर्स के ब्राइट चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये दोनों फॉर्मर NXT वीमेन चैंपियंस कल दी आइकॉनिक को आकर चैलेंज करती दिखाई देंगी, और एस्का का स्मैकडाउन वीमेन चैंपियनशिप का टाइटल ड्रॉप करवाने के पीछे भी WWE के बड़े प्लान हो सकते हैं। अगला सेगमेंट हमें स्मैकडाउन के मॉन्स्टर लार्ड सुलेवन का देखने को मिलेगा, जहां वो आकर एक मरतबा फिर डिस्ट्रक्शन करते दिखाई देंगे, और यह मुमकिन है कि वो किसी रेसलर के खिलाफ भी मैच में नजर आए। और उनके मैच की बात करें तो वो पॉसिबली हो सकता है R-Truth के अगेंस्ट। अगला मैच हमें शिंस के नाकामुरा वर्सेस कॉफी किंगस्टन के दरमियान देखने को मिलेगा, जो कि ये मैच एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है। अगला मैच हमें अली का देखने को मिलेगा। यहाँ दो पॉसिबली मैच निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला मैच है अली वर्सेस रैंडी ओर्टन का, क्योंकि हमने देखा था कि रैंडी ओर्टन ने सेकंड लास्ट स्मैकडाउन के शो में अली को RKO लगा दिया था। और दूसरा जो मैच जो कि पॉसिबली होगा वो है एलायस के खिलाफ, जहां वो इंटरप्ट करेंगे उनके सेगमेंट को, और फिर हमें अली वर्सेस एलायस का मैच देखने को मिलेगा। और मुमकिन है कि हमें इस शो से अली की मनी इन द बैंक में होने वाले मैच की भी कोई डायरेक्शन नजर आए। अगला जो सबसे ज्यादा हाइप टॉपिक बना हुआ है स्मैकडाउन लाइव के लिए, वो है रोमन रेंज वर्सेस विंस मैकमैन के दरमियान। अब इन दोनों का मैच तो होने से रहा नहीं, लेकिन विंस मैकमैन रोमन रेंज को पनिश करने वाले हैं, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रोमन रेंज सुपरमैन पंच विंस मैकमैन को लगा देते हैं। वहीं WWE अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ये बता रही है कि क्या विंस मैकमैन रोमन रेंज को आकर फायर करने वाले हैं इस स्मैकडाउन में। तो कल होने वाला एपिसोड देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हमें विंस मैकमैन की तरफ से तगड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा WWE डैनियल ब्रायन को भी एडवर्टाइज कर रही है कल के स्मैकडाउन के लिए, और फिन बैलर पॉसिबली एलायस के खिलाफ मैच में आ सकते हैं, जैसा कि हमने लाइव इवेंट में भी इन दोनों रेसलर का मैच देखा था। तो मुमकिन है कि ये मैच भी हमें देखने को मिल जाए। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि आप अली का मैच किस रेसलर के खिलाफ देखना चाहते हैं, और रोमन रेंज को क्या लार्ड सुलेवन आकर अटैक करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो जाने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको WWE से रिलेटेड अपडेट्स और डॉक्यूमेंट्री उर्दू में जानने को मिलती रहें।